हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम मिस्टर विशाल सर और आप देख रहे हैं विशाल सर की क्लास। माय डियर फ्रेंड्स, माय ट्यूबर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, इंग्लिश ट्रेनर हूँ। तो डियर गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके लिए सिर्फ ओनली फॉर टू मिनट्स। क्या आपके पास दो मिनट है? आई थिंक, मुझे लगता है कि आपके पास है। और ये दो मिनट की क्लास में आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब वीडियो, यानी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। जैसा कि मैंने बोला था कि ओनली टू मिनट्स की क्लास में आपके इंग्लिश में छोटी छोटी वीडियो से इंग्लिश सिखाऊंगा। तो आज ये क्या दो मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखना। और साथ ही साथ यदि चैनल पे पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पुराने तो लाइक कर देना। ओके गाइज, तो चलिए डोंट बी लेट नाउ और सीखते आज क्या है। आज मैं बात करने वाला हूँ डबल मीनिंग की, यानी हिंदी तो एक होगी और इंग्लिश उसके अलग अलग प्रयोग होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बिफोर और एगो की। अगर इसकी हिंदी में बात की जाए तो पहले होती है, इसको कब कहाँ लगाना है, कहाँ पे हम बिफोर का प्रयोग करेंगे और कहाँ पे हम एगो का प्रयोग करेंगे। तो डियर गाइज, ये बहुत ही ज्यादा आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए, आपके मींस कंपिटेटिव एग्जाम के लिए या एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज कॉल्ड यूजफुल फॉर यू। ओके, तो आइए केयर्स करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करेंगे हम, यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हम बिफोर लगाएंगे, और अगर पास्ट की बात हो तो हम एगो लगाएंगे। ओके, आइए मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं कि मैं दो दिन पहले आऊंगा, यानी गागेगी। फ्यूचर की बात हो रही तो हम आप क्या बोलेंगे, आई विल कम बिफोर टू डेज। सेकेंड मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं दो दिन पहले आया, पास्ट की बात कर रहा हूं, यानी क्या बोलेंगे, यस आई केम टू डेज एगो, यानी यहां पर पास्ट की बात होगी तो एगो लगाएंगे। और जानते हैं लिखा हुआ दो दिन पहले आता है, ताहत ही है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ही कम्स बिफोर थ्री डेज। अब मैं एक और पास्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वह तीन दिन पहले आ चुका था, यानी ही हैड कम थ्री डेज एगो। तो आज से आपके क्लियर हो गए बिफोर और एगो की। तो है ना ये बिफोर एगो की कमाल जानकारी। तो आप क्या कीजिए, आप पूरी पूरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और क्या गाइज, आपको मैं कोई भी प्रॉब्लम होना तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ आपको मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहा हूँ, प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, शेयर करना, शेयर करना। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो से इंग्लिश सिखाने का प्रयास करूंगा। बाय टू ऑल, बाय बाय।